नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 4। ठीक है, पाठ का नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बारे में आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे, हमने पहले भी सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, क्लास सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, लेकिन आज हम सर्वनाम के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले हम जान ले सर्वनाम, पहले पढ़ने से पहले, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है। ठीक है बेटा, सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का नाम होता है। ठीक है, लेकिन उनके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का यूज ले रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैं, मेरा नाम है, ठीक है ना, लेकिन मैं मेरा नाम ना बोलकर मैं अपने लिए बोलूंगी कि मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरीके से कोई और व्यक्ति है, जैसे कि किसी लड़के का नाम है राहुल, मैं राहुल ना बोल के कहूंगी कि उसको बुलाओ। ठीक है, तो उसको जो शब्द है वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है बेटा, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 थे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 ही सर्वनाम के भेद है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारा फर्स्ट है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, इसमें क्या होता है, वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य किसी व्यक्ति के लिए, जब दो वक्ता और श्रोता जब आपस में किसी और व्यक्ति के लिए बात कर रहे होते हैं, उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आएगा। इसके भी 3 उदाहरण हैं, जैसे कि पहला है उत्तम पुरुष, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन, देन अन्य पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष कौन होता है, जिस जो अपने आप के लिए होता है, जिसमें मैं कहलाता है, जैसे कि मैं कोई बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उसमें मैं अपने लिए मैं का इस्तेमाल करूंगी, मैं वर्ड का यूज करूंगी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग करना। ठीक है, अगर मैं कोई बात कह रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग उसे सुन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आप में से किसी एक को कहती हूँ कि बेटा तुम बताओ, ठीक है ना, आप सुन रहे हैं मेरी बात को और मैंने इशारे से तुम बोल के तुम्हें खड़ा किया, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, मैं तो हो गई उत्तम पुरुष और आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। नेक्स्ट है अन्य पुरुष, अन्य वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है, ठीक है ना, अन्य मतलब किसी और पर्सन के लिए अगर हम कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि किसी और के लिए हम कुछ कह रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तीसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उदाहरण हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जान लिए क्या होते हैं, जो सर्वनाम किसी निकट, निकट मतलब कि पास, या दूर मतलब कि दूर, बहुत दूर के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है बेटा, जो किसी पास के व्यक्ति का भी बोध करा रहे हैं और किसी दूर के व्यक्ति का भी बोध करा रहे हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि यह, ये, वह,
वे, ठीक है। जैसे कि यह मेरी घड़ी है ना, हम लोग बोलते हैं यह मेरी घड़ी है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि वह लड़का आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से किसी और के लिए, दूर के लिए या पास के लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है बेटा,